हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप बेसन में मैंने 3 कप दही मिलाया है, लगभग 3 गुना दही मिलाया है। 1 और ये गया 2 और ये गया अब जाएगा तीसरा। ओके, तो आपको 3 कप बेसन मिलाना है। उसके बाद 3 कप बेसन मिलाने के बाद लगभग 7-8 कप आपको पानी मिलाना है। आपकी कितना आप गाढ़ा रखना चाहते हो कढ़ी, उसको मिला लेना है बैटर को। उसके बाद तो आपको अच्छे से मिलाना है ताकि आपकी में कढ़ी में कोई भी लम्स ना बचे। उसके पास जो ये मसाले हैं, जिसमें मेथी और ये कड़ी पत्ता, हींग पाउडर, लाल मिर्ची और हल्दी लिया हुआ है मैंने। उसके बाद मैंने तेल गरम किया। तेल के आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी। मैं इसको ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। मैंने फिर जीरा, सबसे पहले मैंने जीरा डाला, जीरा को मैंने भूंज लिया। अब मैं जीरे को अच्छे से भूनूंगी। उसके पश्चात मैंने इसमें डाली है मेथी, मेथी के दाने, मेथी को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद ये गए मेरे कड़ी पत्ते, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसको अच्छे से मुझे अब इसको अच्छे से भूंज लिया मैंने, सारे मसालों को अच्छे से भूंज लिया है। अब भूंजने के बाद मैं इसमें थोड़ी देर में हींग डालूँगी। तो चलिए अब इसमें हींग मैंने ऐड कर दी है। हींग को ऐड करने के बाद जल्दी से मुझे जो मैंने बैटर दही और बेसन का बनाया था उसको डाल देना, अदरवाइज हमारी जो हींग है वो पूरी तरह से जल जाएगी। तो मैंने सारा बैटर डाल दिया इसमें, देख लीजिए कितने खूबसूरत लग रहा है। इसमें देखिए खोल गरम गरम गैस पे मैंने बैटर, अब इसमें हल्दी डाला, आधी चम्मच लगभग हल्दी और आधी चम्मच मैंने मिर्चें डाली है। आप चाहे तो खड़ी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इसको चलाना, अब हमें क्या करना है कि इसको लगातार स्टार्टिंग में आपको लगातार चलाते रहना है और ताकि लम्स ना बने। अगर गुठलियाँ बन गई तो कढ़ी आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। और मैं आपको बस जिसमें ऐसे याद दिला रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब तक हमारी कढ़ी बनती है 30 मिनट तक हमें कढ़ी को वेट कराना है गैस पे, तब तक हम लो फ्लेम, मीडियम लो फ्लेम पे अब हम अपने पकौड़े बना लेते हैं कढ़ी के लिए। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, 1 कप बेसन लिया है और 1 कप पानी मिला है और दोनों को मिक्स करके मैंने पहले से रखा हुआ था। और इसलिए मैंने थोड़ा सा खाना सोडा भी डाला है ताकि मेरे पकौड़े जो हैं वो टाइट ना हो, क्योंकि कई बार ये शिकायत होती है। तो अब मैंने वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा मेरी कढ़ी में लगभग अच्छी से खोल आ गई। इसको लगभग मैंने 30 मिनट अपनी कढ़ी को बनाया, मतलब आपके हिसाब से जितना यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, अगर आपको पकौड़े में हींग चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें मेरी तैयार है और मैंने पकौड़ी भी डाल दी है मेरी।